नफरत ना करके दूर दिल से साथ निभाइयो। एक बात बोल लूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो देखने के बाद ना आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि पबजी अनबैन को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन आपको वीडियो में और भी बहुत कुछ बताना, तो वीडियो को देखते रहना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। वीडियो को फालतू लंबी नहीं करेंगे, तो देखते रहना। और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं गाइज ऐप के बारे में, जो कि आपको गेम खेलने के पैसे देती है। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे गेम्स की टूर्नामेंट मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात तो है कि इसके अंदर आपको पबजी मोबाइल की फ्री और पेड टूर्नामेंट भी मिल जाएगी। अगर आप अच्छा खेलते हो और आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन यहाँ से कमा सकते हो। और जो आपको कॉइन मिलेंगे उसे आप अपने गूगल प्ले के वॉलेट में, या फिर भैया अमेजोन, या फिर रेजर गोल्ड, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। तो जाओ, इस ऐप का लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप खेलना चाहते हो तो भाई फ्री और पेड टूर्नामेंट आपको मिल जाएगी, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो भाई अब बात कर लेते हैं पबजी अनबैन को लेकर। तो आप सभी को पता है कि 2 सितंबर को जब भी भारत सरकार ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है पबजी मोबाइल को बैन कर दिया था, क्योंकि टेंसेंट की थी भाई, और टेंसेंट का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही है, तो डाटा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है भाई इसको बैन कर दिया था। तो उसके बैन होने के बाद जो है पबजी मोबाइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा था। तो पबजी मोबाइल ने ये बोला था कि अगर बैन होती है तो हम टेंसेंट वालों को जो है इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए वहाँ से निकाल के फेंक देंगे, तो इसका जो है अलग से किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में कोई और वर्जन आ जाएगा। तो अब तक तो यही चलने लग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ भाई, पहले तो पबजी बोलने लग रहा था कि भाई हम जो है टेंसेंट को निकाल देंगे, क्योंकि भाई ये चाइना की है। तो अभी क्या हुआ भाई, टेंसेंट वालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा था, और ऊपर से भाई अब डोनाल्डो ट्रंप ने भी ये बोल दिया कि भाई टेंसेंट भाई साहब यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर आपका अब कोई मतलब कोई जगह नहीं आपके लिए। तो अब जो है पबजी को भाई वहाँ पर भी भाई बैन कर दिया है यूएसए में। तो अब वहाँ पर बैन होने के बाद और भी बहुत सारी ऐप है भाई, उनको भी बैन कर दिया। तो बैन होने के बाद भाई अब टेंसेंट वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में जो है चाइना का ये सब चलता रहता है। तो भाई अब जो है सभी के सभी उनको निकालने लग रहे हैं। तो टेंसेंट को अगर ऐसे निकालते रहेंगे तो भाई वो कमाएंगे कहाँ से, और अपने बच्चे कैसे पालेंगे भाई, मतलब ये क्या बोलने लग रहा हूँ मैं। तो मतलब अगर उसको निकाल देते तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो अब जो है टेंसेंट वाले अपना झोड़ा उठा के भाई सिंगापुर निकलने वाले हैं। तो जैसे फ्री फायर के साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो बैन नहीं हुआ था। तो भाई टेंसेंट वाले जो अपना झोड़ा उठा के सिंगापुर में अपना हेडक्वार्टर सेट करने वाले हैं, और वहाँ पर अगर जाते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो भाई चाइना से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर जो है इंडिया में यही वर्जन रहेगा और आपका यही अकाउंट रहेगा। सबसे मेन बात भाई आपका यही अकाउंट रहेगा, क्योंकि अगर टेंसेंट ही चला जाता सिंगापुर में अपना हेडक्वार्टर सेट कर लेता, तो वहाँ पर भाई हमारा जो ग्लोबल वर्जन ही चलेगा, तो आपका ये अकाउंट भी रहेगा भाई अगर ऐसा होता तो। लेकिन भाई अब ये नहीं कह सकते कि टेंसेंट वाले जो है कब तक जाएंगे भाई अपना झोड़ा उठा के, और कब तक वहां पर जो अपना हेडक्वार्टर सेट करते हैं, ताकि भाई इसे जो है अनबैन कर दे भाई इंडिया वाले भी और यूएसए वाले भी। तो बहुत सारी और भी ऐप थी जो कि भाई यूएसए में फिर भी बैन कर दी, जो कि चाइना की थी। तो अच्छी बात है भाई वो इनको निकाल के फेंकने लग रहे हैं, लेकिन अब देखते कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यार बहुत लंबा प्रोसेस है, तो टाइम लगेगा, और कब तक लगेगा वो भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात हो रही है कि पबजी को जो है इंडिया में बैन कर दिया, और अभी तक ये चलने लग रहा है, आप सभी को पता है। लेकिन जो टिकटॉक थी उसके तो 2 ही दिन में सर्वर बैठ गए थे भाई, वो चलने ही नहीं लग रहा था। तो हो सकता है कि अभी तक जो है जो भी है भाई, अभी तक जो भी डाटा है अभी हम चला रहे हैं, तो ये सब जो अभी भी चाइना में ही जाने लग रहा है। अगर गवर्नमेंट इस पर जो थोड़ा सा और ध्यान देते, और अगर टेलीकॉम्स कंपनी जो इसका सर्वर डाउन कर देते, तो अब हम ये भी नहीं खेल पाएंगे, मतलब कभी भी आगे चलकर। क्या पता ऐसा हो जाए कुछ दिनों में कि ना खेल पाए। वैसे डरा नहीं रहा भाई, अभी तक चल रहा तो चल रहा भाई, खेलने लग रहे। लेकिन अभी तक भी देखा जाए ना तो इसका हाथ है भाई, मतलब टेंसेंट का ही हाथ है इसमें। ये नहीं कि अभी इसका कोई लेना देना है ही नहीं भाई, उससे अभी भी है। तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंडिया में जो इसके सर्वर डाउन हो जाए। तो वैसे डरा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि आगे हो सकता है ऐसे भी, जब तक भाई ये या तो सिंगापुर में ना चले जाए, या फिर भाई इंडिया के लिए कोई और वर्जन नहीं आ जाता। वैसे अगर भाई ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई टेंसेंट सिंगापुर में जाने वाला, तो भाई फिर तो पबजी मोबाइल शायद इंडिया के लिए कोई और वर्जन ना लेके आए, क्योंकि भाई अब तो प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी ना, क्योंकि टेंसेंट ही जो है सिंगापुर में चले जाएगा। लेकिन एक बात और है भाई, अभी ना जी मोबाइल में ना खेलते टाइम भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। आप सभी को पता जियो से तो भाई ना तो रिसोर्स पैक डाउनलोड हो रहे, ना फिर भाई मैप डाउनलोड हो रहे, और बहुत बार तो चलता भी नहीं भाई, मतलब जियो में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है पबजी को लेकर। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर और टेलीकॉम्स कंपनी भी भाई ऐसा कुछ कर देती है जिससे कि भाई ना तो चले, या फिर भाई और कुछ प्रॉब्लम आए, तो यार खेलने का मजा ही नहीं रहेगा। और आपको भी एक सच्चाई बताऊँ, जो पहले बात थी ना भाई पबजी खेलने में, अभी भाई बहुत ऐसे ही बोलने लग रहे हैं कि वो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि भाई एक तो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और एक भाई इसमें ना बहुत सारे को तो भाई अपडेट नहीं, और कुछ के तो भाई चल ही नहीं रहे अच्छे से, और कुछ के भाई मैप नहीं डाउनलोड हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ना तो माइक काम कर रहा भाई।
आईपैड में कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई आवाज़ ना आ रही हो ना जा रही हो, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, चाहे आप जियो यूज़ करो, चाहे एयरटेल यूज़ करो, चाहे कोई भी ऐप कोई भी सिम यूज़ करो, लेकिन आवाज़ ना तो आ रही ना जा रही। बोतों के साथ ऐसा हो रहा है कि आ भी रही है जा भी रही है, लेकिन बोतों के साथ ऐसा हो रहा है कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। और रेंगल 2.0 में कितने गलीच भर गए आप सभी को पता ही होगा, अगर आप खेल रहे हो ना, तो मुझे तो गिनवाने की जरूरत है ही नहीं भाई। और सबसे बड़ा गलीच साउंड का, और एक भाई जब आप अपने किसी टीममेट को स्पेक्टेट करते हो ना, जब आपकी कोई क्रेट ओपनिंग कर देता फिर आप किसी को स्पेक्टेट करते हो अपने टीममेट को, तो ये ही नहीं पता चलता कि एनिमी आ कहाँ से रहा, इतना अटकता ना भाई, इतना अटकता और पता भी नहीं चलता कभी कभी तो कि गोलियाँ चल रही है नहीं चल रही है, एनिमी नहीं दिखता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई खेलने में मतलब वो मज़ा आता ही नहीं। तो भाई शुरू में बस आपको एक यही बताना था, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोक दो, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।